हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डायरेक्ट टैक्स लो के सारे इंपॉर्टेंट जो भी बनता है ना, सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक सुने, ध्यान से सुने। डायरेक्ट टैक्स लो के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सब की सब इस एक वीडियो में मैं अवेलेबल करवाने वाली हूं। तो ध्यान से मेरी बातें सुनिएगा। सबसे पहली बात, आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों के जैसे कि अभी एग्जाम्स, पहला ही एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, तो हम लोगों ने चैनल पर नोट्स के जो, जैसे अगर आपको कोई हमसे ना नोट्स बाय करने हैं, तो सिंगल सब्जेक्ट के अगर आप पीडीएफ के नोट्स लेना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट ना 50 रुपीज़ पड़ती है। बट हमने एक इसका अच्छा सोल्यूशन निकाला है कि अगर आप चैनल की सब्सक्रिप्शन बाय कर लोगे, विच इज़ द सेम ऑफ वन सब्जेक्ट नोट, यानी कि 50 रुपीज़ के नियर ही सब्सक्रिप्शन का भी प्राइस है, तो 59 रुपीज़ पे करके आपको सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ और सभी सब्जेक्ट के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। एक बार सब्सक्राइब करना है और उसके बाद एक मंथ के लिए जितनी भी चैनल पर वीडियोज़ आएंगी, उन सब के नोट्स, उन सब के वीडियोज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगी। आई होप ये आपको बात क्लियर है कि चाहे आप किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, अगर आप मेरे से स्पेसिफिकली किसी सब्जेक्ट के नोट्स लेने आते हो, तो आपको एक सब्जेक्ट के नोट्स की पीडीएफ की कॉस्ट 50 है, बट सेम प्राइस में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप ही के लिए वो मैंने ओपन किया है कि आप लोगों को मुझे बार बार 50-50 करके हर सब्जेक्ट के पे ना करने पड़े। वैसे आपको 300 के नियर पड़ेगी वो कॉस्ट। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 59 में आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स विद वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अगर आप नोट्स तो डिफिकल्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे एग्जाम की। जैसे कि परसों आप सबका एग्जाम है डायरेक्ट टैक्स लो का। ठीक है, अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने ना मेरी प्लेलिस्ट देख ली होगी कि डायरेक्ट टैक्स लो की दीदी ने प्लेलिस्ट एक बना रखी है जिसमें मोस्टली चैप्टर्स कवर हैं। अब आप लोग एक बात सुनिए, इस वीडियो में मैं आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मेरे चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें आपको एग्रीगेशन ऑफ इनकम, एक ही वीडियो है, एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कवर है, आपको वो देख लेनी है। सेकंड, सेट ऑफ वाला चैप्टर कोई भी नहीं छोड़ेगा, जो जो मैं चैप्टर्स बोल रही हूँ, सेट ऑफ वाला चैप्टर आपको कंप्लीट मैंने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, देख लेना है। डिडक्शन वाले के ऊपर भी मेरी वीडियोस हैं, तो एक चैप्टर की मैंने स्पेसिफिकली एक ही वीडियो बनाई है। ठीक है, मैंने कोई चार चार पाँच पाँच वीडियोज़ नहीं रखी हैं। उसके बाद जो यूनिट 2 के चैप्टर्स हैं, उसमें से पेनल्टी वाले की वीडियो, अपील्स वाले की वीडियो, प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टमेंट असेसमेंट वाले की वीडियो, तो कुछ चैप्टर्स की जो वीडियोज़ हैं, जैसे बेस्ट जजमेंट वाला क्वेश्चन, यानी कि यूनिट 2 के ना टोटल 5 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, प्लेलिस्ट में 5 वीडियोस हैं जिनमें 5 अलग अलग चैप्टर्स की थ्योरी है। एक वीडियो में सिर्फ एक चैप्टर कवर किया है, कोई विद इन 20 मिनट एक चैप्टर कवर किया है, कोई विद इन 30 मिनट एक चैप्टर कवर किया है। तो आप लोगों को सिंपल एक बात का ध्यान रखना है। अब उनमें से कुछ वीडियोस होंगी जो वो पेड होंगी, यानी कि जो भी सब्सक्रिप्शन वाला मेंबर होगा वही वो वीडियोस को देख पाएगा, बट आपका एक वीडियो से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। जैसे अभी आप लोगों ने ये चैप्टर देखे, अब ऊपर यूनिट 1 में से पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल वाला अगर किसी ने प्रैक्टिकल करे हुए हैं तो वो कर सकता है। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने ये करवाया कि नहीं करवाया, बट आप लोग अगर कर रखा है तो मैं चाहूंगी कि आप ज़रूर करें। और यूनिट 2 में से जो थ्योरी करना चाहते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी वाले की थ्योरी, प्रोसीजर वाले की थ्योरी, अपील वाले की थ्योरी, पेनल्टीज वाले की थ्योरी, चारों के ऊपर मेरी 4 वीडियोज़ होंगी मेरी प्लेलिस्ट में। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, 2023 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने जा रही हूँ कि पेपर में एक्चुअल में आता क्या है। अब गाइस, आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है 2023 का क्वेश्चन पेपर, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पेपर में पहले सेक्शन ए में आपको क्वेश्चंस आए कि टैक्स हॉलीडे क्या होता है, तो आपको इसको सिंपली एक्सप्लेन कर देना, भाई डायरेक्ट टैक्स लो है, टैक्स हॉलीडे कब होता है, कि जब आपको टैक्स, मतलब टैक्स की पेमेंट्स आप नहीं कर सकते, जो पब्लिक हॉलीडेज नॉर्मली होते हैं। तो आप लोग इसके ऊपर आराम से गूगल पे सर्च कर सकते हो कि टैक्स हॉलीडे क्या है, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा आपको इसके अंदर लिखने के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, जो सेट ऑफ वाला, जो हमारा पहला चैप्टर है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, जिसमें हमने क्लबिंग ऑफ इनकम भी करा है, तो आप लोग उसमें से इसका आंसर ईजिली लिख सकते हो। जो हमने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं ना आपको चैप्टर्स की, उनमें से आप ये थ्योरी आराम से लिख सकते हो 2023 के पेपर में जो आए। अब उसके बाद गाइस देखिए, जैसे सेक्शन बी पेपर में आया है, तो इसकी जो थ्योरी पेपर में आई है, पहले तो डीम्ड इनकम और उसकी टैक्सेबिलिटी और सेटिंग ऑफ लॉसेस, ये मैंने अपनी थ्योरी वाली वीडियोस में अच्छे से टॉपिक और कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। सेकंड क्वेश्चन जो पेपर में आया है वो है डिडक्शन की थ्योरी, तो आपको मैंने यही बताया, डिडक्शन कर लो, सेटअप कर लो और एग्रीगेशन ऑफ इनकम वाला चैप्टर कर लो। ठीक है, बाकी 2 प्रैक्टिकल आए हैं पेपर में, सेक्शन बी में भी और सेक्शन सी, देखते हैं अब एक बार। तो गाइस, सेक्शन सी की आप लोग थ्योरीज देख सकते हैं, इनकम टैक्स अथॉरिटी की थ्योरी आई है। सेकंड क्वेश्चन जो आया है वो पेनल्टी वाला क्वेश्चन आया है, पेनल्टी वाले की भी मैंने एक ही वीडियो दी है, 20 मिनट के अंदर पेनल्टी का कोई भी क्वेश्चन आए आपने वही आंसर लिखना है। बेस्ट जजमेंट की ऐसे ही एक वीडियो है, कोई भी क्वेश्चन आए बेस्ट जजमेंट में आपने वही आंसर लिखना है। ऐसे ही ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न की एक ही वीडियो है, कोई भी आंसर आए वही, कोई भी क्वेश्चन आए वही आंसर लिखना है। तो बिल्कुल मैंने जितना कम से कम मटेरियल हो सकता है आपके लिए, उनके अंदर वो वीडियोज़ पहले ही बना के रखी हैं। तो ये वीडियो वैसे बनाने की मुझे ज़रूरत
ज़रूरत थी नहीं, बट बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वीडियो स्पेसिफिकली अब मैडम दोबारा एक्सप्लेन करें वो सारे कंसेप्ट, तो नॉट पॉसिबल यार। यही इसी वजह से मैंने प्रैक्टिकल्स की वीडियो एडवांस में बना के रखी होती हैं कि पेपर में आप लोगों को दिक्कत ना आए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक ऐसा होता है जो आपको एडवांस में पढ़ना पड़ता है। अगर एक दिन पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कभी भी नहीं आपके सॉल्व होंगे पेपर में, ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी प्रोवाइड की हैं, बट अभी वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, ध्यान से एक बात सुनिए। आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिए 2023 में क्या आए हैं, मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको 2022 का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, 2023 के क्या क्वेश्चन आए आपको मैंने इसी वीडियो में दिखा दिए, उसके बाद एक वीडियो मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, जो उसके लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन बताए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट टैक्स लॉ करके आपको वो वीडियो मिल जाएगी। मतलब मेरे चैनल पर आपको एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार मिलेगी डायरेक्ट टैक्स लॉ, आपको सिंपली उस पूरी प्लेलिस्ट को मतलब घोल के पी लेना है। मेन ट्राई करना कि जो यूनिट 2 की पहले थ्योरी है उसको हाथ लगाओ, क्योंकि थ्योरी जब आपकी हो जाएगी तब प्रैक्टिकल क्योंकि होने नहीं वाले इतनी जल्दी जिन्होंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया, ठीक है, तो यूनिट 2 की पहले जो थ्योरी की 5 वीडियोस हैं वो और यूनिट 1 की डिडक्शन वाले की थ्योरी अच्छे से याद से कर लेना, ठीक है। इतना कर लोगे तब भी कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ पाओगे पेपर में, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए अब आपके पास टाइम नहीं होगा अगर किसी ने अभी तक नहीं किए हैं। अगर किए हैं तो डिडक्शन के प्रैक्टिकल्स आएंगे, सेट ऑफ के प्रैक्टिकल पेपर में आएंगे, तो अगर किए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियोज़ अवेलेबल हैं। कुछ वीडियोज़ पेड रहेंगी तो आपको प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको वो वीडियोज़ के नोट्स, उन्हीं वीडियोज़ के अंदर एक नोट्स करके लिंक होगा, ऊपर आई बटन आएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे वो लिंक आपको शो होगा कि ये इसका वीडियो के नोट्स हैं, तो आप उसको आराम से फाइल को वहाँ से ओपन कर पाएंगे, बट इफ़ आपने सब्सक्रिप्शन ली है तभी, ठीक है, बट अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली है वो ऑप्शन तभी ओपन होगा जो नोट्स वाला है, अदरवाइज़ वो ऑप्शन आपको शो नहीं होगा, इवन कि वो वीडियो भी प्ले नहीं होगी अगर आपने वो सब्सक्रिप्शन नहीं ली है, ठीक है। कुछ वीडियोस के ऊपर प्राइवेसी रहेगी, कुछ वीडियोस पब्लिक रहेंगी, कोई भी देख सकता है, तो आपके ऊपर है। बाकी मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर सारे बता दिए क्या करने हैं, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, इंस्टा आईडी आपको दिख रही है, अगर कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मुझे वहाँ पर बता सकते हैं कि दीदी सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस वहाँ पर शेयर कर दूँगी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो, आई होप यू लाइक इट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलेंगे आप लोगों से हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।